वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और मेरे साथ है शेफ नौशीन खान। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त डिशेस बनाती हैं और झटपट होती है, कम इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम यूज होते हैं। और आज की डिश का नाम क्या है नौशीन? इंस्टेंट चिकन पुलाव। इंस्टेंट चिकन पुलाव, इसने इसीलिए नाम रखा कि झटपट हो जाए, क्योंकि इसमें यखनी नहीं बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें यखनी नहीं बनानी पड़ेगी, इसमें हम सौंफ और साबुत धनिया कसावा इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें। इंग्रेडिएंट्स पहले बताएं। पहले इसमें प्याज, एक अदद प्याज जाएगी। ओके, ठीक है। एक टमाटर, एक अदद प्याज हमने इसको स्लाइस कर लिया, बिल्कुल इसको काट लिया है। उसके बाद एक टमाटर, एक टमाटर, ठीक है। अदरक लहसुन, अदरक लहसुन, और इसके साथ मैंने और ये भुना हुआ जीरा है, 1 टीस्पून। ओके, ये साबुत धनिया और जीरा है पिसा हुआ, साबुत धनिया, अच्छा ये भी क्रन वो ही हुआ है, हाँ मिक्स हुआ है, पिसा हुआ, ग्राइंड हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून, ठीक है। लाल मिर्च हो गई और हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और ये सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, ठीक है। और जो गरम मसाला, गरम मसाला सारा, ठीक है। और 4 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा। ओके, दही है, ठीक है। ओके, और चिकन, ठीक है, 1 पाव चावल, ठीक है। थोड़े से हम लोगों ने एक बताया कि जल्दी बन जाए जी, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाए, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, बहुत ये भी मेरी भी आदत है, यकीन करें नौशीन, बहुत ही कम मसालों में और इतनी टेस्टफुल वो फ्लेवर रह जाता है ना, अगर बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हो तो वो ओरिजिनल जो टेस्ट है वो खत्म ही हो जाता है। सही बात है, और कम मसाले, वैसे भी स्पाइसेस कम लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने प्याज डाल दी ना, तो अब इसमें ये तेजपात, अच्छा ठीक है, ओके। और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, ठीक है, 3 छोटी इलायची हरी, ठीक है, ओके। 2 लौंग है, काली मिर्च है 2 अदद, ठीक है। और 1/2 टीस्पून जीरा है इसमें, ठीक है। ये मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, ये होता है प्याज जब हम हल्का सा ब्राउन कर रहे होते हैं तो ये, उसके बाद ये जो गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना, ये बहुत फ्लेवर आ जाता है जी, इसका। मैंने घर में, अच्छा कल मैंने सीन ये किया, मैं आपको नाजिन आपको ही बता दूं, 2 दिन पहले सैटरडे संडे मेरी आदत है, मैंने सूखा धनिया और जीरा, इनमें कुछ भी कर लो रेत होती है, तो मैं फौरन जैसे बड़ा सा पानी पतीले में लेके उसमें जीरा डाल के और फौरन उसको छानती हूँ, उसमें से जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है, उसको जो आटा छन्नी की छन्नी है उसमें डाल के और उसका पानी जब निकल जाता है तो मैं फिर उसको प्लेट में फैला देती हूँ। उससे क्या होता है, और उसको धूप में नहीं, आप प्लीज अपने रूम के अंदर टेम्परेचर पे उसे ड्राई कर लें और फिर उसे यूज करें, और अगर हल्का सा तवे पे आप भून लें, भूने ना भी, अगर आपको ज्यादा, मैं उसमें से थोड़ा सा निकाल के मैं रोस्ट कर लेती हूँ, उसे क्रंच करके रख लेती हूँ, वो दही में बहुत और खाने में भी बहुत यूज किया जाए, बड़ा टेस्ट। और इसी तरह सूखा धनिया भी, क्योंकि कुछ भी कहते हैं कि मर्द हजरात को ना इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो घर में ये चीजों को आप लोग जरा सा एहतियात कीजिए, कि आप लोग बहुत आसान समझते हैं जी, लेके आए और जीरा उठा के आपने ऐसी बस छटपट पहले डाल देते थे हम लोग, यकीन करें वो अब बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। और फिर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अगर खाने के लिए पानी में डायरेक्ट धोते हैं तो वो फिर बहुत थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन अगर आप एक साथ करते हैं तो उसमें जरा आप पूरा एक साथ ही करके रख देती हैं, सेव करके, बिल्कुल वो मुझे जब भी फिर इजिएस्ट है, जब बार बार की मेहनत अब ये जैसे इन्होंने इतना जीरा, अब इसको धोएंगी ये ढूंढती रह जाएंगी, ये ढूंढती रह जाएगी पूरा जीरा है। तो समटाइम हम लोगों ने जैसे आलू की कतलियां बनाई और उसमें जो है वो बहुत मजे का लगता है, वो जीरा की बहुत अच्छा लगता है, उसमें डाल दिया या कोई भी ऐसी चीज, और जीरा तो वैसे भी बेस्ट है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने पास ये वो चीजें घर में, अजवाइन धो के रखें, गलवंजी रखें और हींग हो गई, ये वो चीजें जब भी अपने खाने में इस्तेमाल करें तो आपके बादी वगैरह जो है ना आपकी बॉडी में नहीं होगी, जैसे होता है ना गैसेस हो जाती हैं। चले जी, काफी हो गया, बिस्मिल्लाह करें और मजीद अदरक लहसुन डालना है, क्या करना है जी? इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने पीस के रखी थी ना, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन में हम इसमें ऐड कर लेते हैं और टमाटर। अच्छा, ये आज आपने मेरा नमक नहीं लिया, कोशिश कीजिए, वैसे नाज़रीन मैं आपको क्लियर बोलूं कि या तो जो होता है दिल्ली वाला नमक, ये हम लोगों ने घर में ना अपनी चीज़ों को बहुत ईजीएस्ट समझ के ये आयोडीन और इस चक्कर में पड़ गए, पिंक सॉल्ट गुलाबी नमक या दिल्ली वाला नमक यूज किया करें, ये आपको फायदा देगा, सारी ये स्पाइसेस भी, ठीक है, ठीक है।
अब हम आगे हैं सारे स्पाइसेस पे, ठीक है जी। हल्दी, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये जो सौंफ, क्रंच, हाँ लेकिन ये अभी जो सिर्फ है ना 1 टीस्पून जाएगी इसमें, बाकी जब चावल हम पका देंगे ना। अच्छा ये इसमें पेड़ डाले जी, बाकी किस लाओ की जान है इसका। सौंफ का क्या बता रहे थे आप मुझे, सौंफ का क्या बता रही है? मैंने इसमें वो भी ऐड करी हुई है ना, सौंफ भी। अच्छा जी, सौंफ, साबुत धनिया, जीरा। जब भी अच्छा, तो इंस्टेंट है, मैं वो भी तो कह रही हूं, नौशीन वो लोग तो अभी भी बहुत अच्छे हमारे जैसे जैसे हम अच्छे जैसे मैं बहुत अच्छी हूं, सॉरी टू से नौशीन नहीं। अच्छा सुनो, पता सीन क्या, पहले के लोग ना टाइम निकाल के ना यकीन करें, हमारी अम्मियां ना यकीन करो ऐसे काम जो है ना घर में ये बिल्कुल रेडी करके मशीन वशीन बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यकीन करें वो, और बहुत अच्छा, और वो बॉटल से खोलने की देर होती थी तो पता चल जाता था कि मसाला ऐसी आती थी ना सभी। अब जैसे इंस्टेंट पुलाव बन रहा है ना, वैसे अब इंस्टेंट काम होते हैं सारे मसाले जल्दी जल्दी से या तो मंगा लिए जाते हैं या मशीनों पे ग्राइंड कर दिए जाते हैं, ये आसानी। अच्छा मैं बिजी हो गई है ना खवातीन। अच्छा अब मैंने इसे थोड़ी कवर करूंगी ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। हम लोग फिर कितनी देर में वापस आए, हम लोग फिर अपने सेगमेंट की जरूरत 3 मिनट पर, ठीक है 2-3 मिनट, 2-3 मिनट जी जी बिल्कुल अभी हो जाएंगे सॉफ्ट, हम लोग 2-3 मिनट फिर आपसे बात करते हैं। हाँ। कुछ बताएं कि ये जो चिकन, ऑफ कोर्स लोग चावल जो है हम चाह रहे हैं कि निखरे निखरे प्रेजेंट हो, तो इसका क्या होम रेमेडी इसमें? जब आप इसको, वैसे तो बासमती या सेला कोई भी चावल अच्छा वाला आप ले लीजिए, या फिर आप जब इसे बॉइल करें ना इसमें सिरका ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, तो आपका जो चावल है ना वो खिला खिला बनता है। अच्छा एक और चीज़ है, चाहे जैसे बासमती कोई तो टोटा चावल होते हैं उसको फिर खिलना बहुत मुश्किल है, वो तो अच्छा वाला साबुत चावल होता है ना, साबुत चावल कोई सा भी होगा मतलब अच्छा वाला अगर होगा तो आप उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा वो खिला खिला चावल बॉइल जब कर रहे हैं ना तो वो खिला खिला चावल। अच्छा कुछ लोग होते हैं जब इसको बॉइल करते हैं और इसमें एक कनी या दो कनी छोड़ देते हैं, लाइक इधर आ जाओ, एक कनी या दो कनी छोड़ देते हैं लाइक, तो फिर मैंने अक्सर देखा है वो लोग ना वो जब इसको इसका पानी निकाल देते हैं और उसके बाद उसको फैला देते हैं। अब वो मुझे नहीं पता क्या वजह होती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो इसलिए कि बॉयल चावल लोग जो यूज करते हैं ना, बॉयल चावल देगी जी जी, नहीं नहीं घर में भी बॉयल चावल यूज होते हैं, हम लोग भी करते हैं जब, जैसे भगार चावल के नुकसान ज्यादा होते हैं, उबले हुए चावलों के नुकसान ज्यादा नहीं होते जी, बिल्कुल इसलिए। अच्छा जी, इस वजह से ओके। अच्छा क्रंची प्याज बनाने का जो ब्राउन होता है लोग अक्सर निकाल लेते हैं, जैसे ब्राउन करने की उसका क्या टेक्निक है? कि वो अक्सर मेरे पास जो होते हैं ना वो कभी कभी वो बेचारे अजीब से मर जाते हैं, सूख जाते हैं। नहीं उसे ना आप ना बहुत तेज आंच पे ब्राउन नहीं। अच्छा रोक रोक के ना। हाँ और जब आप प्याज जब डालिए जब आपका ऑयल गर्म हो, ठंडे ऑयल में मत डालिए प्याज ब्राउन करने के लिए, ठीक है। हाँ और उसके बाद उसे जब देखें ना गर्म ऑयल में आपने प्याज डाली उसके बाद थोड़ा स्लो कर दें, बहुत तेज आंच में नहीं रखें, मालूम नहीं है भाई ऐसा नहीं कि हम भी कुछ। अच्छा ये दही कितना हमने डालना है? 4 टेबल स्पून की जरूरत है, कर दिया। अच्छा कर दिया, बाकी बच गया जी, इसको रायते में यूज कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, रायता भी बनाएंगे ना इसके लिए, ये जिसमें जो आपने भुनावा जीरा बोला है ना तो वो ऐड होगा इसमें रायते में। गुड हो गया जी, गुड हो गया, मेरी बहन ने थोड़ा सा पता, सभी जो है ना वो रायते की जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा है कि इसको छोड़ दी। हाँ बचा लिया मैंने आपके लिए दही, नहीं लेकिन इसमें जरूरत ही 4 टीबी की थी ना, तो मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया इसमें ऐड कर दिया। अच्छा अब इसको जल्दी से कर, बस हो गया, बस आप चिकन दे दीजिए, चिकन इसमें डाल दिया, ठीक है बस अभी से भून के मैं ठीक है पे लगा दूंगी। ओके जी, इसे भूनने के बाद आप इसमें राइस पानी डालेंगे थोड़ा सा, पहले तो इसे चिकन को थोड़ा सा हल्का, हाँ ताकि जब फ्लेवर आ जाए। ओके इसका थोड़ा सोख हो जाएगा तो फिर इसमें चावल डाल के और फिर पानी ऐड होगा उसके बाद। ओके चलिए जी, आप इसे कर लें, हम लोग अपने प्रोग्राम साथ साथ हम आ जाएंगे आपके पास भी। बिल्कुल सही, तो नाज़रीन हम लोगों ने यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं जाना, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।